सरकार 2024 के चुनाव तक सीएए के रूल्स नहीं बनाएगी, क्योंकि बनाएगी तो सबसे पहला उसका शिकार जो है खुद अमित शाह होंगे। अमित शाह का जन्म जो है हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, अमित शाह अमेरिका में पैदा हुए थे, सैन फ्रांसिस्को। मोदी जी ने खीर बनाई थी, उसमें राम भक्ति के चावल थे और गाय का दूध था, गाय जो हिंदुओं की मुख्य आस्था की चीज है, और उसमें लेकिन गलती से शंकराचार्यों ने नमक डाल दिया। हिंदुस्तान की जुडिशरी आज के दिन राम मंदिर जाने को तैयार बैठी। जनसंघ के खत्म होने के बाद आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, तब लिखा हम गांधीवादी। गांधीवादी आरएसएस क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, मोदी क्या कह रहा है, हम गांधीवादी विचारों को और सर्वधर्म संभाव को मानते। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर आपसे पूछना चाहूंगा, देश में इस वक्त एक तरह से लोग राममय हो चले हैं, ऐसा हमारा मीडिया लगातार हमें बता रहा है, और सब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के लोग काम काज छोड़ के अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में इस वक्त लोकतंत्र ना होकर धर्मतंत्र चल रहा है, राष्ट्र धर्म ना होकर सिर्फ हिंदू राष्ट्र एक तरह से चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से हिंदू जो राष्ट्र कहा जा रहा है उसकी वापसी हो रही है, क्या कह रहे हैं आपका? हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब हमारी एक संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा में देश के सभी प्रतिनिधि थे, सभी वर्गों के लोग थे। ये बात जरूर है कि आरएसएस के लोग नहीं थे। आरएसएस के लोग इसलिए नहीं थे क्योंकि 30 जनवरी 1948 को उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में सहयोग दिया, और हत्या जो है आरएसएस के स्वयंसेवकों ने की थी, जिसमें नाथुराम गोडसे और वीर सावरकर को अभियुक्त बनाया गया था, और इसीलिए नारायण आपटे भी उसमें एक मुख्य अभियुक्त थे, जिनको बाद में फांसी भी हुई। और जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के सारे लोगों पर जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो महात्मा गांधी की हत्या का पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय एक राष्ट्र संत थे और वो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, और उनकी एक निश्चित विचारधारा थी कि मनुष्य को आगे बढ़ाना है, किसी धर्म जाति संप्रदाय को नहीं बढ़ाना। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो कि संविधान सभा के एक तरह से रचनाकार थे, संविधान के रचनाकार थे, उन्होंने एक अपना दृष्टिकोण साफ रखा था, और वो दृष्टिकोण था कि जाति धर्म संप्रदाय वर्ण भाषा प्रांत इन सब से उठकर सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलने चाहिए, और हमारे यहाँ सार्वभौम अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जिसको कहते हैं, जो बाद में यूएनओ ने भी अडॉप्ट किया और दूसरे देशों ने भी अडॉप्ट किया, हमारे संविधान ने पहले ही उसे अडॉप्ट कर लिया, और इसीलिए भारत का संविधान जो है एक सार्वभौमिक और सर्वधार्मिक जो संविधान है जिसे हम सेकुलर इंडिया कहते हैं। अब आरएसएस का जो मूल उद्देश्य था वो धर्म आधारित राजनीति करना था, देश के बंटवारे में हिस्सा लेना था, और देश को उन्होंने हिंदू मुस्लिम की लाइन पर बांटा, और एक तरह से जैसे होता है ना कैंसर, वो शरीर के किसी एक अंग में हो जाए तो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता पूरे शरीर में हो जाता है, और अंततः वो शरीर जो बेकार हो जाता है, मर जाता है आदमी। तो आरएसएस इस देश का एक कैंसर है जिसको कहने से लोग बचते हैं, और आरएसएस को एक लीक मिली हुई है कि राम मंदिर के नाम पर वो हिंदुओं की भावनाओं का दोहन करता है और ये बताता है कि हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म से बड़ा है। अब ये देश के लोगों के सामने ये सवाल कई दशकों से खदबदा रहा था, मोदी जी के आने के बाद तो बहुत ज्यादा खदबदा रहा था, लेकिन जो सेकुलर लोग थे, जो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, वो लोग इस बात का विरोध नहीं कर पाते थे, और एक तरह से उनके मन में एक हीनता की ग्रंथि धीरे धीरे लाई गई कि तुम जो है धर्म का विरोध करते हो, तुम कम्युनिस्ट हो। पहले कम्युनिस्टों को यही गाली दी जाती थी, फिर समाजवादियों को दी जाने लगी, और फिर ये कहा जाने लगा कि जो लोग हिंदू लिबरल हैं वो भी जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो भी जो है एक तरह से कुजात हिंदू हैं और वो हिंदू धर्म के खिलाफ। अब इन्हें 22 जनवरी एक ऐसा दिन मिला जिसको इन्होंने ये घोषित कर दिया कि हम राम मंदिर का में जो है प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और सारा देश हिंदुमय हो जाएगा, सारे लोग जो है राम मतलब भाजपा, भाजपा मतलब राम, राम मतलब मोदी, मोदी मतलब भाजपा को जिताओ, भाजपा को वोट दो। तो भाजपा ने राम को, राम मंदिर को, धर्म को
जो व्यक्तिगत और सामूहिक भावनात्मक रूप की चीज थी उसे एक रणनीति बना लिया, राजनीतिक रणनीति बना लिया। और अगर कोई धर्म के आधार पर स्थापित राजनीतिक दल है वो भाजपा है, जबकि भाजपा का खुद का संविधान क्या कहता है, जब जनता पार्टी टूटी थी तो जनसंघ तो उसमें मर्ज हो गई थी, लेकिन जब जनता पार्टी टूटने के बाद, जब भारतीय जनसंघ के खत्म होने के बाद आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, तब लिखा हम गांधीवादी, गांधीवादी। आरएसएस क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, मोदी क्या कह रहा है, हम गांधीवादी विचारों को और सर्वधर्म संभाव को मानते। तो मतलब ये एक ऐसी पार्टी है, झूठी पार्टी है, इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में हिम्मत नहीं है, तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो है नपुंसक की तरह बैठे रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक तरह से अघोषित रूप से आज के दिन जिन्होंने राम मंदिर का फैसला लिखा, मैं कह सकता हूं वो आरएसएस की इस लाइन को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं दुविधा है। देश के संविधान के रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के मन में अगर देश के हिंदू राष्ट्र को होने को लेकर या अपने सर्वधर्म संभाव या सेकुलरिज्म को लेकर अगर कोई विडंबना है, अगर कोई उसके मन में संशय है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहने लायक नहीं है, उसे तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उसने जो संविधान की रक्षा की शपथ ली थी मुख्य न्यायाधीश बनते हुए, और न्यायाधीश बनते हुए कि मैं भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, उसके अनुसार काम करूंगा, ये उस शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं, ये जो शपथ उठाई है उसको मुकर रहे हैं, और इसका मतलब यह है ये लोग इस पद पर काम करने योग्य नहीं। अब ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान की जुडिशरी आज के दिन राम मंदिर जाने को तैयार बैठी है। उनको आप निमंत्रण दे दो तुरंत, जो है अभी जो फोटो आई थी थोड़े दिन पहले भारत के प्रधान न्यायाधीश की कि वो द्वारका गए, उससे पहले वो जो है पुरी गए, पुरी के बाद वो जो है वहां पर हमारा जो मंदिर भगवान शंकर का है वहां गए, और वहां जाकर उन्होंने पीले कपड़े पहनकर कहा कि मैं धर्म ध्वजा को देखकर ये कह सकता हूं कि हमें न्याय की स्थापना करनी है। तो न्याय की बात तो उन्हें याद रही, आर्टिकल 13-14 दोनों याद रहे। उन्हें ये भी याद रहा कि मैं जो हूं देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ देश का प्रधान न्यायाधीश हूं, लेकिन सोमनाथ की पताका, द्वारका की पताका, पुरी की पताका जो कि पीले रंग की है, भगवा है, उससे उन्हें प्रेरणा मिली, देश के तिरंगे से नहीं मिली। और देश के तिरंगे से अगर उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में एक धर्म भीरु हिंदू बैठा हुआ है, और वो जो है एक तरह से अपने पद की शपथ का पूरी तरह से तिरस्कार कर रहे हैं, उसको अस्वीकार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि धर्म बड़ा है, देश बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा नहीं है, देश के संविधान ने लोगों को जो अधिकार दिए हैं वो बड़े नहीं। अब जब देश का संविधान बना था तो देश के संविधान का पहला वाक्य है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत प्रभु हैं। भारत के लोगों ने तय किया कि भारत के लोग किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह अपने युग को, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह सबको समान अधिकार देंगे। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता, वर्ण के आधार पर नहीं किया जा सकता, भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता, प्रांत के आधार पर नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से सांस्कृतिक रूप से भी हम उनसे किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, ये देश का संविधान कहता है। अब 22 जनवरी को मोदी जी जिस मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसको इन्होंने एक हिंदू आस्था का विषय बना लिया। सड़कों पर जाएंगे तो तिरंगे झंडे की जगह जो है वो भगवा झंडे लगाते रहते हैं, रात को स्कूटरों पे लगा देंगे। मैं कल सदर बाजार गया, वहां जुलूस निकाल रहे थे, और जुलूस कितने निकाल रहे थे, 8-10 लोग थे, उससे ज्यादा 100 पुलिस वाले थे, 250 जो है बैंड वाले थे, और कुल जो है मैंने सारे लोग गिने सिर्फ 22 लोग मिले जो उस धर्म यात्रा में चल रहे थे। इसका मतलब आम मानस आज भी उसको उपेक्षा से देखता है, किसी ने उनका प्रसाद भी नहीं लिया। मैं अपने इसलिए देखता रहा, पहले तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाऊं, फिर मैंने कहा क्या करना, क्योंकि पूरे देश में यही हाल है। शादी में मैं कल रात को गया, वहां कोई राम मंदिर की बात नहीं हो रही थी, लोग अपने खाने पीने में मस्त थे, कोई शराब पी रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है। तो आप समझिए ये हिंदू आस्था का प्रकटीकरण जो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद कर रही है वो अब विवाद में पड़ गया। मोदी जी ने खीर बनाई थी,
उसमें राम भक्ति के चावल थे और गाय का दूध था, गाय जो हिंदुओं की मुख्य आस्था की चीज है, और उसमें लेकिन गलती से शंकराचार्यों ने नमक डाल दिया। अब वो नमकीन नमकीन जो है खीर बन गई है, और नमकीन खीर इतनी अकबकी होती है कि मेरी बात को जो मानना चाहता है वो घर में एक बार खीर बनाए और उसमें नमक डाल के फिर खाए, फिर उसे पता चलेगा कि कैसी वो खीर होती है। तो मोदी जी जो खीर बना रहे थे और उसमें जो तड़का दे रहे थे, अमित शाह ने एक तड़का दिया कि उन्होंने कहा कि हम जो है सीएए को 22 जनवरी से पहले ले आएंगे। अब आज 19 तारीख है, 22 जनवरी 3 दिन बाद है और अभी तक उसके नियम नहीं बने हैं सीएए के। सिर्फ ये था कि हम जो है, क्योंकि राहुल गांधी की जो इंडिया में की जो यात्रा है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो इस समय असम से गुजरने वाली है, और जब असम से गुजरेगी तो वहां के मुख्यमंत्री को बड़ा डर लगता है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक है, ये बात राहुल गांधी ने खुलकर कह दी। उससे पहले खुद अमित शाह ने कहा था कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है। तो जिस आदमी को भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट मानती थी, क्योंकि वो कांग्रेस में था, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आया वो धुल गया और वो अब उनके मुख्यमंत्री हैं। और वो गरज गरज कर सबसे ज्यादा गाली अगर कोई देता है राहुल गांधी को, तो दो लोग हैं, एक हेमंत बिस्वा शर्मा और एक मायावती। मैं जब भी इनके भाषण देखता हूँ लगता है इनका जीवन, अगर राहुल गांधी नहीं होते तो ये शायद आत्महत्या कर लेते, इनकी जवान नहीं निकलती। तो अब जो है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अब असम से गुजरने वाली है, तो वहां सीएए का मुखा मुद्दा है, और उसी को प्रभावित करने के लिए अमित शाह ने कहा था कि हम सीएए को 22 जनवरी से पहले लागू कर देंगे। मतलब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 22 जनवरी को सीए लागू हो जाएगा। तो सरकार की जो रणनीति है वो जो सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुसलमान के लोगों के रूप में लोगों को बांटने की थी, वो पूरी हो जाती। अब उसमें गड़बड़ क्या हुई है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये सरकार 2024 के चुनाव तक सीएए के रूल्स नहीं बनाएगी, क्योंकि बनाएगी तो सबसे पहला उसका शिकार जो है खुद अमित शाह होंगे। अमित शाह का जन्म जो है हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, अमित शाह अमेरिका में पैदा हुए थे सैन फ्रांसिस्को में, और वो जन्म से जो है अमेरिका के नागरिक हैं, और जन्म से अमेरिका के नागरिक हैं तो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो सकते। यही हाल मोदी जी के साथ होगा। मोदी जी की जन्म तिथियां दो हैं, जैसे ही वो दो जन्म तिथि आएंगी और जैसे ही आएगा मोदी जी किस स्कूल में पढ़ते थे, किस स्कूल का सर्टिफिकेट है अपना और अपनी माँ का और अपने पिताजी का, वो ला नहीं सकते। तो आप समझिए, मैं आपको आज फिर कह रहा हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, श्रोता हैं, कि ये लोग जो है सीएए का भूत तो खड़ा करेंगे लेकिन उसे कभी अमली जामा नहीं पहनाएंगे। अब जो बात आ जाती है कि इनको ये लग रहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए विपक्ष के नेताओं को बुलाएंगे, विपक्ष के नेताओं को बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे तो हम कहेंगे राम विरोधी। लेकिन बहस जो है अब राम विरोध से ज्यादा चली गई है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप या तो हिंदू धर्म के को बड़ा मानते हैं या राष्ट्र धर्म को बड़ा मानते हैं। मेरा मानना है राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और आज पाकिस्तान की हालत क्या है, वहां के प्रधान न्यायाधीश को कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को बर्बाद किया है तो दो चीजों ने किया, एक कलाशिनोव जो राइफल है AK-57 AK-47 उसने किया है, और दूसरा जो है नशे की आदत। अब हिंदुस्तान भी नशे की गिरफ्त में है। अडानी के एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा जो चीज पकड़ी जाती है 32,000 करोड़ रुपए की जो है अब तक 2 सालों में वहां पर जो है हीरोइन और ये नशे की चीजें पकड़ी गई है। तो वो नशे का व्यापार कौन फैला रहा है? पंजाब चले जाओ और दूसरे हरियाणा चले जाओ, किस राज्य में आपको हीरोइन नहीं मिलेगी, किस राज्य में अफीम नहीं मिलेगी? मणिपुर का जो झगड़ा है वो भी अफीम को लेकर ही है। तो आप समझिए, सरकार ने देश को दो तरह की अफीम चटा रखी है। एक अफीम है धर्म की और एक अफीम है जो खेतों में उगती है, और अफीम के नाम पर ये सरकार जो है लोगों को चाहती है कि वो मत बस रहे। और एक देखिए बड़ी विचित्र बात है जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो अरविंद केजरीवाल है ये आरएसएस की उपज है। सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा हम नहीं जाएंगे, ममता बनर्जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, अखिलेश यादव ने कहा हम नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन के सारे लोगों ने, शरद पवार ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल अंदर से आरएसएस का आदमी है, आरएसएस के एजेंडे को पूरा करता है, और इसीलिए वो कहता है। चार बार ईडी का समन मिल चुका है, कल भी मिला था, 4 बार ईडी का समन मिल चुका है, अभी तक पेश नहीं हुए। ये उसको खबर में बनाए रखना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति का सबसे आसान तरीका है कि अपने विरोधी को खुद रसद पहुंचाते रहो। मान लीजिए मेरी और आपकी लड़ाई है और मैं चाहता हूँ कि मेरा आपसे झगड़ा ना हो,
तो मैं फलाने सिंह को किसी और आदमी को कहूंगा ये मेरा विरोधी है, तो खबर आएगी थी रविंद्र जी उसका विरोध करते हैं, तो लोग ढूंढेंगे भाई फलाना आदमी क्यों है, उसके पास जाएंगे भाई तेरा विरोध क्यों करते हैं, वो मेरे ऊपर दो चार आय भाषा लगाएगा, तो बहस का मुद्दा जो है असली मुद्दों से भटक जाएगा। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसके मुद्दों को भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल को समन ईडी भेजेगी, अरेस्ट नहीं करेगी, ताकि वो न्यूज में बना रहे। और दूसरी बात क्या है कि दोनों का एजेंडा क्या है, यूपी सरकार में योगी सरकार ने कहा है नए साल पे कि सबको शराब सुलभ कराएंगे, स्टेशन पे भी शराब मिलेगी, हवाई अड्डे पे भी शराब मिलेगी, हर जगह आप शराब पियो, तो दोनों। और दिल्ली में केजरीवाल क्या कहते हैं, एक के बदले एक शराब लो। तो ये देश को नशे में, दो तरह के नशे में ढकेलना चाहते हैं, पहला नशा है धर्म का और दूसरा नशा है दारू का, हीरोइन का, चरस का, दवाइयों का। तो ये सरकार जो है मोदी सरकार राष्ट्र धर्म की बात नहीं करती, क्योंकि राष्ट्र धर्म की बात करेंगे तो आपको संविधान की बात करनी पड़ेगी। अब प्रकाश अम्बेडकर जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बेटे हैं और उनके एक पोते हैं, दोनों को इन्होंने निमंत्रण दिया, दोनों ने मना किया। उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधारित अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो देश के लिए कैंसर है। तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भाषा में कहें या बीआर अंबेडकर की भाषा में कहें या जवाहरलाल नेहरू और गांधी की भाषा में कहें, ये देश के कैंसर हैं। और जब तक लोग सामने आकर खुले मुंह से नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी देश में कैंसर है, ये कैंसर फैला रही है, ये देश के लोगों को बर्बाद कर रही है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आएगी, उनको आत्मग्लानी नहीं होगी, उनका सर नहीं झुकेगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि अब 22 जनवरी एक कट ऑफ डेट है जो कहेगी कि देश में दो तरह की लड़ाइयां हैं, एक राष्ट्र को धर्म मानने वाले लोगों की और एक धर्म को राष्ट्र से बड़ा मानने वाले लोगों की। और मेरा मानना है कि जितने लोगों तक ये संदेश जाएगा कि देश का संविधान सबसे बड़ा है, उसने लोगों को सार्वभौमिक अधिकार दिया है वोट का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो किसी देश में नहीं था, महिलाओं को कई देशों में अधिकार नहीं थे और लोगों को नहीं थे, भारत ने जो राह दिखाई उसकी वजह से पूरी दुनिया में 167 देशों को ये प्रेरणा मिली कि वहां पर सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। भारत का संविधान इतना बड़ा दस्तावेज है कि दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका के जितने भी देश हैं और लैटिन अमेरिका के देश हैं, उन्होंने 1947 के बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसको लेकर इतनी जागरूकता उनके अंदर आई कि वो सारे देश आजाद हो गए और उन्होंने भारत की संविधान की परंपरा को माना। कोई जो है आज के समय में जब हिंदुस्तान से जाता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो दो ही चीजें बेचते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, नीता अंबानी गए तो मैं बुद्ध के देश से आई हूँ, कोई नहीं कहता मैं राम के देश से आया हूँ, क्योंकि राम की जो संभावना है वो एक ऐसी संभावना नहीं है जिसे यूनिवर्सल माने, जिससे हम जो है हम अपने धर्म में इस्तेमाल करते हैं, राम में आस्था रखते हैं, लेकिन राम भी कई तरह के हैं। एक राम है जो दशरथ नंदन थे जो अयोध्या में पैदा हुए थे, एक वो राम है जो कटकट में है, एक वो राम है जो मरते हुए हम बोलते हैं, और एक वो राम है जिसको सुबह सुबह कहते हैं राम राम जी। तो ये एक स्वाभाविक है, जैसे नमस्ते किसी आप जो है कोई आदमी अपना नाम नमस्ते रख ले, मैं अपना नाम नमस्ते रख लूं तो लोग कहेंगे नमस्ते जी, तो लोग ये नहीं हो जाएगा कि मुझे नमस्ते कर रहा है, मेरे को याद कर रहा है। तो नमस्ते जी होना, एक चुटकुला है इस बारे में कि एक आदमी गया, वो अमेरिका से हिंदुस्तान आया, बंबई उतरा और बम्बई जाके उसने एक आदमी से पूछा, भाई ये बड़ी इमारत है किसकी है, उसने पता नहीं साहब, तो उसने अपनी डायरी में लिख लिया पता नहीं साहब की इतनी बड़ी इमारत थी। फिर वो आगे गया, उसने एक बहुत बड़ा होटल देखा, बोला किसका है जी, बोला पता नहीं साहब का, उसने लिख लिया पता नहीं साहब। फिर एक शादी हो रही थी, दूल्हा जा रहा था, उसने पूछा भाई ये कौन है, उसने पता नहीं साहब, उसने वो भी लिख दिया पता नहीं साहब की शादी है। ऐसे करते करते जब एक साल बाद वो वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि एक आदमी की शव यात्रा जा रही है, उसने कहा ये कौन मर गया, उसने कहा जी पता नहीं साहब। तो उसने लिखा इतना बड़ा आदमी जिसके इतने होटल थे, जितनी इतनी बिल्डिंग थी, जिसकी एक साल पहले शादी हुई थी, वो आज मर गया, तो पता नहीं साहब का मंदिर बन गया। तो आप समझिए इस तरह की बातें जो करते हैं कि राम को राजनीति में घसीट कर उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको भी राम को भी वो पद दलित कर रहे हैं और देश के जो राष्ट्र धर्म है उसका भी अपमान कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में अब जो 22 जनवरी के बाद जो लड़ाई है वो पूरी रेखा खिंच गई है, लक्ष्मण रेखा खिंच गई है, विभाजनकारी रेखा खिंच गई है कि आप या तो हिंदू धर्म को मानेंगे या
राष्ट्र धर्म को मानेंगे। और मेरा मानना है कि राष्ट्र धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा खड़े होंगे और तब वो महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, जितने भी हमारी समस्याएं हैं उनकी बात करेंगे। क्योंकि राम मंदिर तो बन गया, मान लीजिए राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब लोग, मोदी जी चाहते हैं कि लोग कहें कि बजाय मोदी जी से कहें 15 लाख दो, राम मंदिर जाके मैं अगर जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भाई इसने कहा था 15 लाख देगा, राम जी अब अपना धनुष चढ़ाओ और इसे दिलाओ। मैं राम जी से कहूंगा इसने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अब अपना धनुष चढ़ाओ और हनुमान जी को कहूंगा अपनी गदा उठाओ और इसके सर पे मारो कि मुझे जो है रोजगार दे। तो लोगों को जाकर, राम मंदिर जाकर ये नहीं कहना चाहिए मेरी शादी हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए। नहीं, मोदी जी की सरकार ने जो वादे किए हैं, योगी की सरकार ने जो वादे किए हैं, राम मंदिर में जाके अर्जी लगानी चाहिए कि इन दुष्टों को समझाओ कि अपने कर्तव्य पूरा करें और जो जो वायदे पूरे किए हैं वो पूरे करें, वरना आप इन्हें दंड दो। और अगर आप इन्हें दंड नहीं देंगे तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक पाषाण की मूर्ति हो, आप जगत के पालनकर्ता नहीं। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालिसिस के लिए। आपने जो बात कही है कि देश बड़ा कि धर्म बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई यही कहेगा कि देश बड़ा है, लेकिन आजकल जो माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो है धर्म तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है, इस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें आप तमाम देख रहे होंगे। तो रविंद्र जी के लिए जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शाम में या कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।